जय हिंद, नमस्कार, गुड मॉर्निंग साथियों। मैं योगेश मिश्रा आप सभी का दैनिक रोजगार समाचार प्लस अमर उजाला की महत्वपूर्ण खबरों में हार्दिक स्वागत करता हूं, जिसमें हम यूपी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती विज्ञापन, एलटी ग्रेड नई शिक्षक भर्ती, यूपी टीजीडीपीटी 27,000 नई शिक्षक भर्ती विज्ञापन, हाईकोर्ट का सख्त आदेश, इसके अलावा अन्य महत्वपूर्ण खबरों के संबंध में बात करने वाले हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले लाइक और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर दें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर हम थोड़े समय के लिए नजर डालें कल के संकल्प पत्र में, तो यहां से आपको कुछ मुख्य चीजें देखने को मिलेंगी। जैसे कि भाजपा ने कहा सिंचाई के लिए बिजली मुफ्त, मेधावी छात्रों को स्कूटी दी जाएगी। इसके अलावा हर परिवार से एक व्यक्ति को रोजगार या स्वरोजगार का संकल्प भी किया गया है। युवाओं को 2 करोड़ टैबलेट या स्मार्टफोन देने का भी संकल्प किया गया है। वहीं सपा की तरफ से यह कहा गया है कि संविदा प्रणाली को हम पूरी तरीके से खत्म कर देंगे, महिलाओं को भर्तियों में आरक्षण प्रदान करेंगे। इसके अलावा जो है पुरानी पेंशन बहाली, 11 लाख खाली पदों को जल्द से जल्द भरने का भी वादा किया गया। नेक्स्ट आपको यहां से देखने को मिलेगा कि प्रदेश भर में प्राथमिक स्कूलों में शिक्षकों के 1 लाख से भी ज्यादा जो पद हैं ये खाली हैं, लेकिन फिर भी अभी तक जो इसका विज्ञापन है जारी नहीं किया जा सका। प्रतियोगी छात्रों ने सरकार से ये भी पूछा है कि हर साल नियमित रूप से भर्तियां क्यों नहीं हो रही हैं। और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि काफ़ी ज़्यादा छात्र यहाँ से परेशान हैं। एक बार विज्ञापन की घोषणा भी की गई 17,000 की, लेकिन विज्ञापन जारी नहीं किया जा सका। नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि यूपीपीएससी से बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। इसी माह निकलेगी पीसीएस 2022 की भर्ती। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विभागों में खाली पदों के भरने के लिए अधियाचन भी मांगा गया है। अब जल्द से जल्द जो इसका विज्ञापन है ये जारी किया जाएगा। नेक्स्ट आप यहाँ से देख सकते हैं कि जल्द शुरू होंगी 5G सेवाएँ, नीलामी प्रक्रिया अगस्त तक। यहाँ से आपको देखने को मिलेगा कि ऑप्टिकल फाइबर से जुड़ेंगे सभी 6 लाख गांव। इसके बाद यहां से आपको देखने को मिल जाएगा कि फिर ये खबर लोक सेवा आयोग से ही है, ACF RFO 21 मेंस को आवेदन शुरू। तो यहां से दो लगातार बड़ी खुशखबरियां आपको देखने को मिल जाएंगी यूपीपीएससी यानी कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से। नेक्स्ट आप यहां से देख सकते हैं कि रिक्त पद न भरने पर हाईकोर्ट सख्त। और यहां से अगर आप देखें तो यहां पर कहा गया है कि इन पदों को भरने से सरकार को क्या चीज रोक रही है। कोर्ट ने कहा कि यदि सरकार नियुक्ति करने में सक्षम नहीं है तो बेहतर होगा वह कानून ही खत्म कर दे और इन ट्रिब्यूनल्स को बंद कर दे। न्यायालय ने कहा कि सचिव वित्त मंत्रालय 2 सप्ताह में जवाब दें कि देश भर में खाली पड़े इन पदों को भरने से सरकार को क्या चीज रोक रही है। मामले की अगली सुनवाई 2 सप्ताह बाद होगी। तो यहां से यह बहुत ही अच्छी बात है कि हाईकोर्ट का लगातार यहां से जो दबाव है ये सरकार पर बना हुआ है, लेकिन फिर भी विज्ञापन अभी तक जारी नहीं किया जा सका, चाहे टीजीडीपीटी का हो, एलटी का हो, पुलिस का हो या फिर यूपी ट्रिपल एससी की निलंबित भर्तियों का हो। नेक्स्ट आपको यहां से भी देखने को मिल जाएगा कि खाली 8 लाख पदों को भरने के लिए मांग उठाई गई है। ये मांग राज्यसभा में उठाई गई है। तो साथियों फिलहाल आज का वीडियो यहीं तक। वीडियो पसंद आया तो लाइक और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर दें। बहुत बहुत धन्यवाद।